मित्रों, मैं आचार्य सुमित शास्त्री, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको ऐसा प्रयोग बताऊंगा, लव मैरिज के लिए घरवालों की सहमति। आप किसी लड़की को चाहते हो या लड़की किसी लड़के को मोहब्बत करती है, प्रेम करती है, उनसे शादी करना चाहते हैं और वो इंटरकास्ट के लड़का या लड़की है, उसके घरवाले मैरिज के लिए सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, तो घरवाले को लव मैरिज के लिए एग्री कैसे करना है, वो आज का मेरा प्रयोग है। साथ साथ हवन द्वारा मैं प्रयोग बताऊंगा। सबसे पहले मेरे मित्र जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि घर बैठे आचार्य सुमित शास्त्री जी की सेवाओं का लाभ ले सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा एक कोई भी कपड़ा लेना है और उस कपड़े के ऊपर ये प्रयोग लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। जैसा कपड़ा लेके अब जिसके घरवाले नहीं मानते हैं उसके घरवाले का नाम लिखना पड़ेगा कुमकुम से, माता पिता और भाई और कोई भी उसके घर में बुजुर्ग है उसका नाम लिखना है ताकि वो सहमत हो जाए। कुमकुम से नाम लिखने के बाद में ऐसा चार नींबू लेना है, चार नींबू लेंगे और नींबू के ऊपर कुमकुम से ऐसा क्रॉस करेंगे, उसके सामने वाले पार्टी का घरवाले का नाम लिखे और इसमें इस कपड़े में रखेंगे, क्रॉस करेंगे ऐसा रखेंगे, चारों नींबू के ऊपर घरवाले का नाम लिखे क्रॉस करना है और इस कपड़े के अंदर ऐसे रख देना। क्रॉस करने के बाद में इसको ऐसे फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद में हम एक ऐसा हवन करेंगे और हवन के ऊपर ये चार नींबू हम इसके ऊपर सात बार घुमाएंगे। लड़का या लड़की के माँ बाप जो नहीं मानते उसका नाम लिखे और मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम क्लीम मम वश्यामि मम कार्य सफलानी, यानी मेरा काम सफल हो और सामने वाली पार्टी उसके माँ बाप मेरे वश में हो। ओम ह्रीम क्लीम मम वश्यामि मम कार्य सफलानी कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे सात बार घुमा के और फिर हम जो वशीकरण की सामग्री आती है आहुति देने में उसकी आहुति देंगे। इसके ऊपर ऐसे सात बार घुमा के उसके घरवाले जितने भी दो या तीन चार पाँच या नहीं मानते उसके नाम की आहुति देना पड़ेगा, ओम ह्रीम क्लीम मम वश्यामि मम कार्य सफलानी कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम मम वश्यामि मम कार्य सफलानी कुरु कुरु स्वाहा। अब पहले उसके पिताजी का नाम, दूसरे उसके मदर का नाम, माताजी का नाम, तीसरा उसके भाई का नाम, ओम ह्रीम क्लीम मम कार्य सफलानी कुरु कुरु स्वाहा ऐसे आहुति देंगे। और गाय का घी का हम प्रयोग करते हैं तो गाय का घी भी इसमें आहुति देंगे और उसके और भी घर के कोई सभ्य है सदस्य है उसका भी नाम की जैसे हम आहुति देंगे, ओम ह्रीम क्लीम मम कार्य सप्तानी आज उन वसमी गुरु पुरुष स्वाहा ऐसे आहुति देंगे। आहुति देने के बाद में भैया एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये किसी को हानि पहुँचाने के लिए प्रयोग नहीं है, अपने कार्य सफल करने के लिए है और प्रेम से लव मैरिज के लिए माँ बाप को कैसे राजी करना है और प्रेम पूर्वक आपकी शादी कैसे हुए ये प्रयोग है। ये आहुति देने के बाद में फिर हम इसको सात बार अग्नि के ऊपर ऐसा घुमाना है। सात बार अग्नि के ऊपर घुमाने के बाद में अब आप लड़की का फोटो होना चाहिए, लड़की का फोटो इसके अंदर रख देना है। इसके अंदर रखने के बाद में फिर से हम कामक्या सिंदूर होता है उसका हम इसका छिड़काव करेंगे इसके ऊपर, फोटो के ऊपर और नींबू के ऊपर छिड़काव करने के बाद में अब इसको ये प्रयोग लड़की करती है तो लड़के के घर के सामने से थोड़ी माटी लाना, मिट्टी कचरा लाना, वो कचरा भी इसके अंदर डाल देना है। अगर लड़का करता है तो लड़की के घर के आजू बाजू का कचरा लाना है, माटी लाना, इसके अंदर डाल देना है ताकि उस माटी के ऊपर उसके घरवाले के पैर पड़े हुए हो तो जल्दी से जल्दी वो लव मैरिज के लिए अब आपके साथ मैरिज करेंगे, सहमत हो जाएंगे। अब इसको आप क्या करना है, इसको आप अपने ऊपर सात बार उतार लेना है। सात बार उतारने के बाद में इसको लड़की या लड़का जो भी करता है तो सामने वाली पार्टी के घर के पीछे रात्रि को 11 बजे सेक्रेट रूप से खड्डा खोद के एक फुट खड्डा खोद के इसको जमीन में डाल दो, जमीन में दफना दो और उसके बाद में दूसरे दिन वापस 11 बजे जाके गंगा जल इसके ऊपर थोड़ा अर्पण करना है, मंत्र मनो ओम ह्रीम क्लीम मम कार्य सफलानी। ये दो रात्रि आप ये प्रयोग करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे लड़की के घरवाला हो चाहे लड़के का घरवाला हो,
लव मैरिज के लिए सहमत हो जाएंगे और वो सोचेंगे विचारेंगे कि मेरी लड़की या मेरे लड़के के लिए लड़का योग्य है, लड़की योग्य है और आपके साथ ही लव मैरिज होगा और प्रेम पूर्वक होगा और कोई लव मैरिज में बाधाएं उत्पन्न नहीं करेगा, ये मेरा दावा है।